हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंटीट्यूट टैरोटरेडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है फुल मून पर आपका कौन सा सपना हकीकत में बदलने वाला है, मतलब कौन सा सपना आपका सच होने वाला है। ओके, और इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हो। और ये पिक के कार्ड रीडिंग है, इसमें से आपको एक कार्ड चूज करना है, इसे पायल भी बोलते हैं। ये पायल नंबर वन एंड पायल नंबर टू, इसमें से आप एक कार्ड चूज करो, ठीक है। आप नहीं कर पाते हो, आप पूरी रीडिंग देखो। इसका टाइम में पायल नंबर वन और पायल नंबर टू का टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो उस पायल को आप क्लिक करके आप अपने टाइम पर आप जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अभी क्लोज से भी बताऊंगी पायल। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा, और इस चैनल को डोनेट करने के लिए और चैनल को बहुत प्यार देने के लिए। आज भक्ति का जन्मदिन है, ठीक है। उन्होंने इस चैनल को बहुत प्यार से ये डोनेट किया है, ठीक है। तो आज उनका जन्मदिन है, तो भक्ति आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गॉड ब्लेस यू बेटा। और आगे के लिए अपने काफ़ी अच्छी प्लानिंग करो और ईश्वर से प्रार्थना करो, प्रेयर करो। और इस चैनल की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ में है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ में रहेंगी। ओके, गॉड ब्लेस यू भक्ति। तो यहाँ पर मैं आपको पायल बताना चाहती हूँ। ओके, ये है पायल नंबर वन, जॉय। फुल मून पर आपका कौन सा सपना सच होने वाला है, पायल नंबर वन। एंड पायल नंबर टू है डेस्टिनी, पायल नंबर टू डेस्टिनी। ओके, तो इसमें से आप एक पायल चूज कर लो, नहीं कर पाते हो पूरी रीडिंग देखो। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर वन से, जॉय से। हाय पायल नंबर वन, तो जिसने भी ये जॉय का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर वन, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो पायल नंबर वन, ये फुल मून पे आपका कौन सा सपना हकीकत में बदलने वाला है, ठीक है। तो फुल मून पे मैं सच बताऊ ना, सबसे बड़ी, जैसे कहते ना कि ये फुल मून किसी पे बहुत लो एनर्जी में चले जाते हैं, कोई बहुत हाई वाइब्रेशन यहाँ पर, जैसे किसी की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, ठीक है। उनके अंदर, जैसे कहते हैं ना कि उनके अंदर एक अलग ही किसी काम को करने का जज्बा, मतलब अपने आप आने लगता है, अंदर से एक ऐसी खुशी आने लगती है जिसे उसका उसको भी पता नहीं होता है कि एक्चुअल में उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये ऊर्जा है आपकी। जैसे ही फुल मून घटेगा बढ़ेगा, पायल नंबर वन डेफिनेटली आपके ऊपर प्रभाव जरूर आएगा। फुल मून मतलब यहाँ पर पूरी, जैसे मून भी फुल है यहाँ पर, तो आप भी पूरे मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, और ये जैसे कहते हैं ना कि पायल नंबर वन, ये पूरे मुझे यहाँ पर इसलिए नजर आ रहे हो क्योंकि यहाँ पर आप बहुत फ्लेक्सिबल मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, जिससे हर चीज को बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर रहे हो आप यहाँ पर, जिसे आपको बहुत चीज़ों का ज्ञान हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है, नॉलेज आपको मिल चुकी है, ठीक है। आपके अंदर जैसे एक जोश है, एक जुनून है, काफ़ी आप पैशनेट रहोगे अपने काम के प्रति, अपने सपनों के प्रति, ठीक है। एक जैसे ये आर्गुमेंट नहीं है यहाँ पर, जैसे किसी को स्वीकार करना है ना, तो यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स को मैं यहाँ पर देख रही हूँ और उनके साथ आप इंजॉय कर रहे हो। जैसे आर्गुमेंट वाली या कंफ्यूजन वाली या मतलब एक ऐसी बीच वाली स्थिति को मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ, बहुत खुश, बहुत हैप्पी। ये एक आपके जोश को बता रहा है, एक जुनून को बता रहा है कि आप उस ऊर्जा में हो कि फाइनली आप मतलब आप अपने अपने आप को, जैसे कहते ना कि सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने आप को जान रहे हो, समझ रहे हो कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, आपका सपना क्या है, आपको खुशी कहाँ से मिलेगी। जैसे आप अभी तक
अंधकार में थे, ढूंढ रहे थे। तो ये जो फुल मून है ना, सच बताऊं ना, आपको कुछ मिल रहा है, और वो ऐसी चीज मिल रही है पाइल नंबर वन, जिसको सुनकर, देखकर और पाकर आप बहुत झूमने वाले हो, नाचने वाले हो, गाने वाले हो। यहाँ पर जैसे आपकी खुशी का कोई अंत नहीं हो सकता है। हो सकता है सबसे ये मैसेज रेजोनेट हो जाए, हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट हो, या आप ही की ऊर्जा है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बार बताऊँ, आपका सोलर प्लेसेस चक्रा, जो कि आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपके जोश का होता है, आपके जुनून का होता है, आपके सपनों का होता है, वो बहुत एक्टिव है, और उसी की ऊर्जा को आप, उस ऊर्जा में आप यहाँ पर रहने वाले हो पाइल नंबर वन। ओके, बहुत जैसे इतनी फ्लेक्सिबल हर चीज़ में मैं अपने आप को देख रही हूँ मैं, कि जिधर कहीं पर भी कुछ वो नहीं कर रहे हो आप, है ना, इतना फ्लेक्सिबल। जैसे ठीक है, मतलब कोई आर्गुमेंट नहीं किसी उसमें नहीं, मतलब जिस चीज में आपको कुदरत उस तरफ ले जाना चाहता है, कि जहां पर आपका पीस है, आपकी खुशी है, आपकी शांति है। ओके पाइल नंबर वन, तो यहां पर जैसे आप अपनी अंदर की, है ना, अंदर की शांति से भी आप मुझे जुड़ते हुए नजर आ रहे हो पाइल नंबर वन। तो मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ, ये फुल मून आपका कौन सा सपना सच होने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, पाइल नंबर फुल मून का कौन सा सपना सच होने वाला। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके द लवर्स एंड ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया ना, वही जो मैंने बोला अभी यहाँ पर आपको। ओके सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड यहाँ पर लूंगी, किंग ऑफ सर्ड्स। यस, ये जो फुल मून होगा ना आपके लिए, कौन सा सपना हकीकत में यहाँ पर बदलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अभी तक आपने अपने ऊपर भी बहुत काम किया है, बहुत, जैसे कहते हैं ना कि पॉलिश करी, अपने आप को चमकाया है आपने बहुत धैर्यता के साथ और बहुत पेशेंस के साथ। ओके, और डेफिनेटली ये कोई आपका सपना था जिसे आप सच करना चाहते थे। ओके, और वो आपको मिल भी रहा है यहाँ पर। ओके, पहले आप, मैं सच बताऊँ ना, पहले आप बहुत, जो मैंने यहाँ पर बोला, कोई दुविधा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कोई जैसे कहते हैं ना कि अड़े रहना किसी चीज के लिए, प्रति अड़े रहना, जैसे जैसे जिद्दी होते हैं ना, ये नहीं, ये करना ही करना है। लेकिन जैसे मुझे ऐसा लग रहा ना, आपके स्वभाव में भी शायद पहले तेजपन हो सकता था, तेजपन मतलब गुस्सा वाला मिजाज हो सकता था। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि आप पहले, अब आप मतलब बहुत फ्लेक्सिबल, मतलब जो जैसा भी आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, उसे आप स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो आप उसको। ठीक है, तो ये जैसे इन सब चीजों को आप बहुत गहराई से जान रहे हो, समझ रहे हो। ओके, और जो भी चाहिए था आपको, और उसको, उस सपने को आप सच करना चाहते थे। ओके, तो वो सपना आपका सच होने वाला है यहाँ पर। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप काफ़ी टाइम से आपने कुछ ज्ञान अर्जित कर रखा था। ठीक है, आपने बहुत अपने ऊपर काम करा था, जिसे आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। ओके, और यहाँ पर वो जैसे अब आपका उसका, उसको अब आगे बढ़ाने का टाइम आ चुका है। ओके पाइल नंबर वन, यहाँ पर फुल मून के बाद अब आप किसी का वेट नहीं कर रहे हो, किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हो, कोई सोच विचार नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो, जिसके बारे में आप सोच विचार कर रहे हो, ठीक है, अब आप उस ऊर्जा से निकल रहे हो। ठीक है, बहुत शिफ्टिंग है आपकी, बहुत शिफ्टिंग है यहाँ पर। ओके, तो उस ऊर्जा से निकल रहे हो, और जो भी यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, डेफिनेटली आप अब पहली वाली ऊर्जा में नहीं हो, अब आप रिसीव वाली ऊर्जा में आ रहे हो। आप यहाँ पर, आपके मैसेज बताओ ना, पहले कुछ आपने बहुत आपके अंदर वो एक, इस चीज को, जो भी आपका सपना था, इस चीज को, इस सपने को हासिल करने के लिए, जिसे आपको अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी था, बहुत
मतलब अपने अंदर बदलाव करना बहुत ज़रूरी था, स्पिरिचुअली भी और बहुत तरीके से। आप बहुत आध्यात्मिक हो, बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत ज्ञानी हो, बहुत गुणी हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जब तक हम अपनी काबिलियत को, अपने ज्ञान को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, ठीक है, तब तक हम अपने सपनों से दूर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बात क्या आ जाती है, विश्वास की आ जाती है, ठीक है। कि पहले अपने आप पर तो विश्वास करो कि जो आप हासिल करना चाहते हो, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, और मतलब यहाँ पर आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। पहले ऐसी ऊर्जा थी आपकी कि आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते थे और आप सोच विचार करते रहते थे, लेकिन यहाँ पर आपकी ऊर्जा बदल रही है। बहुत बड़ा ये फुल मून आपके अंदर चेंज लेकर आ रहा है, परिवर्तन लेकर आ रहा है। अब आप पहले की तरह सोच विचार नहीं कर रहे हो, ठीक है, कि ये चीज़ें मुझे कब मिलेंगी, किस टाइम पर मिलेंगी, कब मैं फाइनेंशियली ग्रो करूँगा, कब मेरी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ूंगा, कब मेरे रिलेशन ठीक होंगे, ये कब और क्यों कहाँ वाली ऊर्जा से आप, मैं सीरियसली बताऊँ ना, तो इससे आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर एक टाइम पर आप इस ऊर्जा में थे, ये फुल मून के बाद इस ऊर्जा में आप बैठने वाले हो। ये जैसे कहते हैं ना कि ये देख रहा है, वेट कर रहा है कब कब कब, लेकिन ये ऐसी ऊर्जा है फुल मून के बाद कि जहां पर आप सब कुछ समझ गए हो, वो जैसे ये एक टाइम पर जो भी आपने डेफिनेटली बहुत काम एक्सपीरियंस आपने लिया है, चाहे वो आध्यात्मिक तरीके से क्यों ना हो, चाहे कुछ लर्न करा हो, सीखा हो, समझा हो, जाना हो, और उसमें आपको बहुत महारत आपको हासिल हुई है यहाँ पर, ओके, और उसमें आपको बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। आपके पास जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, उसके आधार पर आपको कुछ ऐसा अचीव करने वाले हो कि जहाँ पर आप उसको लेकर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ओके। यहाँ पर आप अपनी नॉलेज के आधार पर ही, जैसे बच्चा कॉलेज जाता है, ठीक है, सीखता है, समझता है, ज्ञान अर्जित करता है, ठीक है, वो आगे की प्लानिंग करता है, तो यहाँ पर आप पास्ट में या किया था आपने, ठीक है, जिसकी बदौलत आप इस ऊर्जा में आकर बैठे हो, ओके। फुल मून, सच बताओ ना, आप अपनी अपने ज्ञान के आधार पर आपके आपके जो जो विश्वास नहीं कर पा रहे थे आप अपने ऊपर, ठीक है, कि आप ये भी अचीव कर सकते हो, ये भी हासिल कर सकते हो, वो सब कुछ यहाँ पर आप करने वाले हो। आपका सपना है कि आप, आपकी जितनी भी अंदर की नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, गंदगी है, ठीक है, जो हमें कमज़ोर बनाती है स्वभाव से, शरीर से, दिमाग से, उन सब चीज़ों को आप, मुझे ऐसा लग रहा है, रिलीज़ करना चाहते हो और अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हो, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। तो यहाँ पर आप बन रहे हो, ये बन रहे हो, ये फुल मून आपके लिए, मैं सच बताऊँ ना, ये अब ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। एक ऐसा सपना आपका सच होने वाला है कि जहाँ पर आप अपने आप को बहुत अलग सा रूप आप देखोगे, एक अपना एक ऐसा रूप देखोगे कि जहाँ पर आप जैसे हर चीज़ से आप अपने आप को अलग समझते थे, लेकिन अब एक हर चीज़ से आप अपने आप को जुड़ा हुआ समझोगे, हर चीज़ को आप पाते हुए समझोगे, ठीक है। अब जैसे कहते हैं ना कि समय पलट रहा है, तो चीज़ें भी पलट रही हैं यहाँ पर आपकी, ओके। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि सच बताओ ना, कि जब आप अपने ऊपर काम, हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपने आप को बदलते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें चाहिए उसको हासिल करने के लिए करते हैं, तो एंजल्स वहाँ पर साथ में होते हैं, ठीक है। और ये जैसे आप आध्यात्मिक जर्नी पर भी हो, आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, तो यहाँ पर आध्यात्मिक जर्नी में जैसे आपके बीच में बहुत कुछ आपने बहुत बाधाएं आई हैं, रुकावटें आई हैं, ब्लॉकेज आए हैं, वो इसीलिए आए हैं ताकि आप अकेले रहो और अपने ऊपर यहाँ पर काम करो। ये फुल मून जैसे आपको हर चीज़ को, जैसे आपकी जो आपके पास था, ठीक है, वो एक बहुत ही अलग रूप में निखर कर बाहर आ रहा है, ओके। अपॉर्चुनिटीज आ रही है भाई इधर,
ठीक है, ये फुल मून में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जिसका भी आपने पेशेंस रखा और आप अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से उस अपॉर्चुनिटीज को ले भी रहे हो, ठीक है। इनडिसीजन, ये बिल्कुल अब कोई वो दुविधा है ही नहीं। अब आपका जैसे ये फुल मून है ना, ये जो आप इनडिसीजन वाली सिचुएशन में हो आप यहां पर, ठीक है, ये डिसीजन ले गए हो आप यहां पर, ये तभी ये अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहां पर आ रही हैं। ये फुल मून पे डेफिनेटली कुछ ऐसा कुछ ऐसी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं जहां पर आप आपको शायद आप सोच में पड़ सकते हो और आपको एक्शन लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको सोच विचार बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अब वैसे भी आप उस ऊर्जा में नहीं हो, आप ऋषि वाली ऊर्जा में हो यहाँ पर। तो आपको बोला यही जा रहा है कि कन्फ्यूजन नहीं रखना है, अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आती है आपकी तरफ तो उसे रिसीव यहाँ पर करने की जरूरत है, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, यस, बहुत इस पर चलो, बहुत आध्यात्मिक हो, पायल नंबर वन। तो अपनी इंट्यूशन, जैसे आपने आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है पायल नंबर वन, और आपका सोलर प्लेसेस चक्रा भी एक्टिव है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करना है, जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करोगे, फुल मून, ठीक है, ये मून की ऊर्जा है, ये देख रहे हो, ये फीमेल कैसे, जैसे ये इसको अपने ऊपर बहुत विश्वास है, ठीक है, कि ये सब कुछ हासिल कर सकती है। तो वो एक जोश, एक वो जुनून आपके अंदर रहेगा। 5+2=7, ठीक है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, ओके। ये इस चीज को देख रहे हो आप यहाँ पर, ये 7 है, ठीक है। तो ये 7 जैसे आप एक टाइम पर आप सोच विचार में थे, ठीक है, लेकिन ये 7 ऐसा है कि जो सोच रहे हो उसे अचीव कर रहे हो, ओके। यहाँ पर फुल मून मतलब आप हर चीज को, जो आपका सपना है, जो भी आप हकीकत में बदलना चाहते हो, तो मैसेज आपके लिए यहाँ पर यही निकल रहा है कि अगर किसी दुविधा में हो तो डिसीजन लो, आपको सक्सेस, सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास करना है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास यहाँ पर करने की जरूरत है। अब आप जैसे सर नीचे झुकाकर आप सोच विचार नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उससे अचीव कर रहे हो, ठीक है। यहां पर ब्लॉसिंग अबंडस, पाइल नंबर वन, जॉय एंड ब्लॉसिंग अबंडस। ये जो फुल मून है ना, ये 3 नंबर आ गया है यहां पर, ठीक है। ये जो फुल मून है आपके लिए बहुत सारी अबंडस लेकर आ रहा है, ये अबंडेंस का कार्ड ही है, ये पैसे हैं पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना आपकी तरफ, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी अबंडेंस लेकर आ रही है आपकी तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में शायद आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, इस वजह से आप इन सब चीजों को, अपनी अपनी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते थे, ठीक है। ये आती हुई ब्लेसिंग्स को आप रिसीव नहीं कर पाते थे, लेकिन फुल मून पर ये जो आ रहा है आपकी तरफ, ये चेंज आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। यहाँ पर अबंडेंस आ रही है, ये आपका सपना है कि आप कुछ अचीव करो, ठीक है। तो फाइनेंशियली कुछ ऐसा डिसीजन, निर्णय आपको लेने की जरूरत है, ठीक है। और जो भी अबंडेंस आ रही है, ठीक है, उसे रिसीव यहाँ पर करने की जरूरत है, ओके। पाइल नंबर वन, तो ये जो फुल मून है आपके लिए काफी अबंडेंस लेकर आ रहा है, ठीक है, और आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास रख के उसे रिसीव यहां पर करने की जरूरत है। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फुल मून कौन सा सपना सच होने वाला है? आइसोलेशन, यस, ये मैं जो बोल रही हूँ यहाँ ना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। जब हमारे अंदर ब्लॉकेज होते हैं
जहाँ पर हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है, दिल से भी, दिमाग से भी और शरीर से भी, ठीक है। तो वहाँ पर हम वैसे ही वीक होते हैं, और जब सिचुएशन हमारे ऊपर हावी होती है तो हम उसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाते, एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है कि ये जो फुल मून है, फुल मून जैसे आपको एंजल्स, ठीक है, आपको एंजल्स पूरी तरीके से आपको यहाँ पर गाइड करेंगे, आपको हौसला देंगे, ठीक है, और आपको स्ट्रेंथ भी यहाँ पर देंगे, ओके। इम्पास, जो भी ब्लॉकेज हैं आपके, ठीक है, जो भी ब्लॉकेज रहे हैं आपके फाइनेंशियली, आपकी आपके कैरियर में, आपकी लव लाइफ में, आपके आध्यात्मिक जर्नी पर, ठीक है, वो ब्लॉकेज यहाँ पर हट रहे हैं। एंड आप बहुत पैशनेट एनर्जी में हो आप यहाँ पर, ठीक है, जिसमें भी आपका पहले जिस काम में भी थे आप यहाँ पर, ना पहले दिल लग रहा था ना मन लग रहा था आपका, लेकिन अब फुल मून में आपकी तरफ ये ब्लेसिंग आ रही है कि आप जो भी कुछ करोगे बड़े ध्यान से करोगे, ठीक है, बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर करोगे और बहुत खुशी के साथ यहाँ पर आप करोगे, ठीक है। और मतलब इस चीज़ में आपको खुशी भी मिल रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर ग्रीफ, क्योंकि एंजल्स ने आपको, मैं सच बताऊँ ना, एक ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर निकाला है जहाँ पर आप बहुत बड़े ब्लॉकेज में थे, ठीक है, बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज था ये इनलाइटनमेंट, ये अंधेरे से आपको उजाले की तरफ लाया जा रहा है ये फुल मून पे। आप कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस बर्डन आपके ऊपर रहा है, ठीक है, और शायद आप बहुत अलग हुए हो, हर चीज़ से आप अलग हुए हो, वो इसीलिए हुए हो ताकि आप, आपका जो सपना है, ठीक है, आपका जो सपना है उसे आप हकीकत में बदल सको। और वो कैसे बदल सको, आप पहले आप अपने आप को बदलो, पहले आप अपने अपने सपनों के लायक आपको बनाओ। आप फाइनेंशियली अपने आप को बहुत स्ट्रांग देखना चाहते हो, मेंटली बहुत स्ट्रांग आप अपने आप को देखना चाहते हो, ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, वो सपना आपका हकीकत में यहाँ पर बदलेगा, क्योंकि एंजल्स अब आपको रास्ता दिखा रहे हैं। एंजल्स ने खुद आपको, जैसे कहते हैं ना कि हील करा है, नेचर ने आपको हील करा है यहाँ पर, हर चीज़ को कैसे बैलेंस किया जाता है दिल से दिमाग से, ठीक है। जब हम रेडी होते हैं, हमारा जो सपना होता है उस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं, तभी वो सपना हमारे सामने आता है और तभी वो हमारा हकीकत बदलता है, ठीक है। तो ये फुल मून आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस लेकर आ रहा है, ठीक है, और ग्रोथ लेकर आ रहा है, ओके, जॉय लेकर आ रहा है, खुशी लेकर आ रहा है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 इस रीडिंग को मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये डेस्टिनी का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। और पाइल नंबर 2, फुल मून पर आपका कौन सा सपना हकीकत में यहाँ पर बदलने वाला है? पाइल नंबर 2, यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना कि यहाँ पर आप बैलेंस तो बहुत हो, सच बताऊँ, बैलेंस भी हो और ब्लेस्ड भी हो, ओके। ब्लेस्ड इसलिए हो क्योंकि यहाँ पर एंजल्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका वेट कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके कुछ निर्णय का, आपके कुछ डिसीजन का, कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हो, क्योंकि ये समय जो आ रहा है ना आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अपनी आगे की, फ्यूचर के, भविष्य के लिए कुछ आपके लिए बोला जा रहा है, कि आपको कुछ योजनाएं बनाने का वक्त आ चुका है, ठीक है। तो वो योजनाएं आपको बनानी है, फ्यूचर के लिए आपको कुछ प्लानिंग करने के लिए बोला जा रहा है, और वो उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। क्यों, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका जो किस्मत है ना, किस्मत का पहिया यहाँ पर घूम रहा है, भाग्य का चक्र आपका घूम रहा है यहाँ पर,
ठीक है। यहाँ पर अब आप जैसे पास्ट में जो जो कुछ भी था, ठीक है, उसके जैसे कहते हैं ना कि उसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर अपोजिट चीजें होने वाली हैं आपके साथ यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर टू, यहाँ पर फुल मून पर आपका कौन सा सपना हकीकत में यहाँ पर बदलने वाला है। पाइल नंबर टू, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपके ईश्वर एंजल्स यूनिवर्स आपको काफी गाइड करते हैं, ठीक है, और वो हमेशा आपको साथ भी रहते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं। ये कोई ओल्ड एनर्जी है, ठीक है, ये कोई ओल्ड एनर्जी है जो आपको बहुत सपोर्ट करती, आपको बैलेंस करती है, ठीक है। आपका ब्लैक एंड व्हाइट से कुछ रिलेशन होगा, अच्छा खासा कोई रिलेशन होगा ब्लैक एंड व्हाइट से, जैसे रात और दिन, जैसे पूरा ही जैसे पूरक होते हैं ना ये, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप भी किसी के पूरक हो। ये फुल मून पे आपका कौन सा सपना हकीकत में यहाँ पर बदलने वाला है। फाइल नंबर टू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपने जो भी पास्ट में प्रेयर की थी, प्रार्थना की थी, ठीक है, तो एंजल्स उसी बात को बोल रहे हैं कि वक्त है, क्या क्या चाहते हो, ठीक है, क्या चाहिए और क्या लेना है आपको, किस तरीके चेंजेस परिवर्तन चाहिए आपकी लाइफ में, जैसे वो इंतज़ार कर रहे हो और आप कुछ बता नहीं पा रहे हो, कह नहीं पा रहे हो। मुझे ये मैसेज आ रहे हैं सामने, ठीक है, मुझे आपके कर्मों का फल, जैसे कहते हैं ना कि आपने बहुत कर्म करे हैं और कर्मों का फल देने के लिए जैसे आपके एंजल्स यूनिवर्स जैसे रेडी हैं, ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है। पाइल नंबर टू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फुल मून पर आपका कौन सा सपना हकीकत में यहाँ पर बदलने वाला है। फर्स्ट कार्ड आपका चैरियट, मैंने बोला ना आपको यहाँ पर, आपको जैसे मैं क्या बोलूँ, आपको बोला जा रहा है आप बैलेंस हो, आपके कर्मों जो भी प्रेयर करी, प्रार्थना करी, आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है यहाँ पर। ओके, आपको बोला जा रहा है एक्शन लो, क्या चाहिए, कहाँ बढ़ना है आगे, अब भविष्य में, फ्यूचर में, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट से आपका कुछ रिश्ता ज़रूर है, यहाँ पर भी ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ पर भी ब्लैक एंड व्हाइट, आप है ना डेफिनेटली पूरक हो। यिंग यांग एनर्जी, मतलब यहाँ पर आप बहुत बैलेंस हो चुके हो, हर चीज को बहुत इजीली कंट्रोल में कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको एक्शन लेना, अब आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, क्योंकि पास्ट में, सच बताऊं ना, पास्ट में जो भी आपने कर्मास करे हैं उसका फल आपको मिल रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये देख रहे हो आप, आपके एनिमल स्पिरिट्स, आपके पूर्वज आपको बहुत आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं। डेफिनेटली आपकी कोई जर्नी है और उसके लिए एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, और वो बोला इसलिए जा रहा है क्योंकि ये समय है आपका, डेस्टिनी, ये किस्मत है आपका, किस्मत यहाँ पर बदल रही है, समय बदल रहा है यहाँ पर। अब समय बदल रहा, किस्मत बदल रही है, तो आप बदल रहे हो, आप ये चैरियट योद्धा, अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर। बस आपको आगे ही आगे की तरफ यहाँ पर देखना है, क्योंकि पीछे का जो था ना वो पास्ट था, पास्ट से कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है अब आपका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप अब जो आगे करोगे, आप भविष्य में, फ्यूचर में, उसमें आपको आपका जो सपना है
उसके लिए आप रेडी हो, तैयार हो, और उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी। अब आप जैसे एक जोश से भरे हुए हो, ब्लेस्ड हो आप यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप एक स्टार की तरह शाइन करोगे, पाइल नंबर टू। बहुत सारे सपने हैं आपके जो अब सच में आप खुद यहां पर बदलने वाले हो। नाइट ऑफ वैंड्स एंड ओ गॉड, पाइल नंबर 2। मैं क्या बोलूं, ये जो कार्ड्स आए ना, ये मैंने इसी में बता दिए। पास्ट से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना है। पास्ट में आप इतना, मतलब यहाँ पर इतने इमोशनली इतने टूटे हुए थे, इतने बिखरे हुए थे, इतना अकेलापन आपने देखा है, इतना सफर आपने किया है, तो बिल्कुल इस एनर्जी में आप नहीं हो। जैसे पास्ट के ना, उसको क्या कहते हैं, अब मैं उसका ज़्यादा शब्द यूज़ नहीं करूँगी, बस इतना ही बोलूँगी, वो सब रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, रिलीज़ हो चुका है, अब इस ऊर्जा में हो आप यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जैसे आंधी तूफान वाली ऊर्जा में हो आप यहाँ पर। ये जो फुल मून है ना, आपका कौन सा सपना हकीकत में यहाँ पर बदलने वाला है। ओके, एक बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता को आप अचीव करने वाले हो, पाइल नंबर 1। ओके, आप क्योंकि बैलेंस कहाँ हो रहे हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पहले ऐसे ख्यालों में डूबे रहते थे, बहुत दुखी और परेशान, जिसकी वजह से आप अपनी ही शक्तियों को नहीं समझ पा रहे थे, अपनी ही पावर को नहीं समझ पा रहे थे। जब हम दिल से कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो हमारा दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है, और जब हम दिल से स्ट्रोंग हो जाते हैं ना, तो हमारा दिमाग भी मजबूत हो जाता है। तो वो बैलेंस वाली ऊर्जा आ गई। ओके, आप बिल्कुल बैलेंस हो दिल और दिमाग से, इसलिए आपका जैसे आप बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता और एक क्लियरिटी आपको यहाँ पर मिल रही। जैसे कहते हैं ना कि क्लियर सिग्नल, बिल्कुल सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आपको दिया जा रहा है। आप बहुत पावरफुल हो, मेंटली भी और फिजिकली भी। ठीक है, तो वो सक्सेस, सफलता आपको ये फुल मून पर आपको मिल रही है, पूरे बहुत जोश के साथ, एक जुनून के साथ। ठीक है, आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है भाई, पास्ट की तो अगर जितना आप अपने आप को दोहराओगे, मैं सच बताऊँ ना, पास्ट की ऊर्जा को ज़्यादा मत ना सुना करो, ना देखा करो, ना याद किया करो, वरना अदर बस पास्ट में ही रहोगे। यहाँ पर अब आप बैलेंस हो, एक्शन लो, एक्शन, क्लियरिटी, पावर है आपके पास, माइंड है आपके पास यहाँ पर, और आप अपने सपनों को खुद यहाँ पर हकीकत में बदलना चाहते हो। ओके, यहाँ पर अब आप पहले आप बहुत मेंटली भी वीक थे, दिल से और दिमाग से, लेकिन यहाँ पर अब उतने ही स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, पाइल नंबर 2, ये फुल मून जैसे आपको बहुत चीजों का आभास भी यहाँ पर कराएगा। ये चीजें आपको पता, यहाँ पर ये भी पता चलेगा कि आपकी क्या कमियां रही हैं और आपकी क्या, जैसे आप कहाँ स्ट्रॉन्ग थे और कहाँ वीक थे, आपको कहाँ एक्शन लेना था और कहाँ रुकना था। ठीक है, लेकिन जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपके साथ, किसी वजह से हुआ, किसी कारण से हुआ, यह मैं यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है, होप, लव एंड एब्सेंटेंस। अब आप हर चीज को, पहली बात तो यहाँ पर आपकी जो भी आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता थी, उसे जैसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जोश में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो निकल चुका है।
ठीक है, आपकी बहुत हीलिंग हुई है, बहुत हीलिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पर अब आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे लव हो, चाहे सक्सेस हो, ठीक है, चाहे किसी बात का निर्णय डिसीजन ही क्यों ना हो यहाँ पर, ओके। और अब आपके जो थॉट्स रहेंगे, ठीक है, वो बल्कि आपको कमज़ोर करने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि बहुत पावरफुल यहाँ पर रहेंगे, ओके, और बहुत लविंग केयरिंग भी यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पर आप मुरझाए हुए थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आप खिल रहे हो। बहुत प्यारी ऊर्जा है ये आपकी, ओके। आर्केंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, यस, मैंने बोला ना आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ एंजल्स हैं। आप आर्केंजल माइकल से बहुत अटैच्ड हो, पाइल नंबर टू, और स्वर्ग दूत आपके साथ में है यहाँ पर, और इसी की वजह से ये जो आपका सपना है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता, उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको बोल रहे हैं आप बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो, और आपके आर्कएंजल माइकल आपके सराउंड ही रहते हैं, आपके इर्द गिर्द यहाँ पर रहते हैं, ओके, जिसे आपको डरने की या भय में रहने की आपकी ज़रूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल ने आपकी बहुत हीलिंग करी है। फुल मून पर आपका कौन सा सपना हकीकत में यहाँ पर बदलने वाला है? फुल मून पर आप बहुत एक्शन, निर्णय, डिसीजन आप लेने वाले हों, ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी उड़ान, ऊंचाइयों को आप छूने वाले हों, ओके। बैलेंस, लाइफ फोर्स, जैसे लाइफ आपकी आगे बढ़ रही है यहाँ पर, ओके, अब कोई ब्लॉकेज नहीं है आपकी लाइफ में, ना आपकी लव लाइफ में, ना आपकी कैरियर में, ठीक है। अब आप अपनी, मतलब यहाँ पर जो भी आपके अंदर है उसे आप एक्सप्रेस करोगे, उसे बताओगे कि आप एक्चुअल में हो कौन। आप एक योद्धा हो, ना कि एक टूटी हुई, बिखरी हुई सोल। आप एक ऐसी सोल हो जहाँ पर बहुत कुछ करना जानती है, बहुत कुछ सक्सेस लेना जानती है, अपने सपनों को सच करना जानती है यहाँ पर, ठीक है। आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो बढ़ रही है अब आपकी यहाँ पर, जिसकी वजह से आप अपने सपनों को हकीकत में यहाँ पर बदल रहे हो, ओके। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इम्पास, ये ब्लॉकेज, इतने ब्लॉकेज लेकर बैठे हुए थे आप अपने अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, ठीक है, आप अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कर पा रहे थे सब चीज़ों को, जैसे चारों तरफ से आपकी हर चीज़ यहाँ पर बंद बंद मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है, इम्पेशेंस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आपका वक्त आ चुका है सेलिब्रेशन का, ठीक है, और जो आपका सपना है उसे सच होने में अब थोड़ा सा ही बस यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो अचीव करना चाहते हो, आपका जो सपना है, वो बहुत जल्दी आपका यहाँ पर पूरा होने वाला है, ओके, क्योंकि यहाँ पर किस्मत बदल रही है भाई यहाँ पर, ओके। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। द थिंकिंग मैन, अब आपकी जो सोच होगी, आपके जो विचार होंगे, वो ऐसे होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको ऊर्जा से भरेंगे, ना कि लो एनर्जी में आपको लेकर जाएंगे, ओके। ये फुल मून पे द सन, आपकी ये फुल मून जो होगा ना आपका, आपका कौन सा सपना हकीकत में यहाँ पर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद अपने आपको क्या चाहिए, ठीक है, उस लायक समझ रहे हो। पहली बात तो ये कि आपके अंदर क्लियरिटी आ रही है, आपको आपकी सच्चाई यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि जो भी, जितना भी आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत थी वो आपने रिलीज़ करा है। एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक था भाई, बहुत नर्वस, उदास थे आप यहाँ पर, ठीक है,
किसी भी चीज को आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे, सच्चाई को आप देखना ही नहीं चाहते थे, क्लियरिटी नहीं चाहते थे यहाँ पर। लेकिन एंजल्स, जब कहते हैं ना जो किस्मत में लिखा हुआ होता है वो जरूर मिलकर रहता है, तो किस्मत में तो लिखा है ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पर किस्मत बदल रही है, समय बदल रहा है और आपकी हीलिंग हो रही है, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओशो से वन कार्ड ओ लूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। टू कार्ड्स आ गए हैं, ओके, मोमेंट टू मोमेंट एंड सॉरी। यस, यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें अगर किसी तरह से आप परेशान हुए हो तो उस एनर्जी से आप निकल रहे हो, ठीक है। और उन्हें जैसे कहते हैं ना कि उन्हें माफ़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है, हालांकि कार्ड सॉरी का निकला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सॉरी बोलना है। हाँ, सॉरी बोलना है तो आपको खुद को अपने आप से सॉरी बोलना है, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत तकलीफ दी है, बहुत पीड़ा यहाँ पर दी है। आपने अपने आप को नहीं समझा, अपने आप पर विश्वास नहीं करा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो फुल मून आ रहा है, अब इस ऊर्जा से आप यहाँ पर निकल रहे हो, ओके, और अपने ऊपर विश्वास करते हुए, ठीक है, बैलेंस बनाते हुए आप धीरे 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 अपनी मंजिल की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, अपने सपनों को खुद सच में बदलने के लिए, ओके। पायल नंबर टू, तो पायल नंबर टू, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।